शहीद कारगिल विजय दिवस के मौके पर शिवपाल यादव ने ज्ञानदीप इंटर कॉलेज पहुंचकर शहीदों को नमन कर दी, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, याद किया वीर जवानों को। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को ज्ञानदीप इंटर कॉलेज पहुंचने पर बच्चों व शिक्षकों ने फूल मालाओं पहना कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने लगाए जय मुलायम, जय शिवपाल, जय अखिलेश के नारे। वहीं पर आपको हम बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव के पहुँचते ही जोश की लहर फैल गई। वहीं पर आपको हम बताते चलें कि इसी दौरान ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के प्रबंधक पंकज यादव ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का मुकुट पहनाकर गदा देकर उनका भव्य स्वागत किया। और वहीं पर राष्ट्रीय महासचिव का भी भव्य सम्मान हुआ राजेश यादव का। वहीं आपको हम बताते चलें, लखनऊ ज्ञानदीप पब्लिक इंटर कॉलेज मलियाबाद कसमंडी कला में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के बच्चों एवं शिक्षकों ने शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव को मलियाबाद में आम की दावत भी दी। वहीं पर शहीद दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव। आपको बता दें, इसी दौरान पत्रकारों के सवालों को बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरीके से शहीदों के साथ में उनका सम्मान नहीं हो रहा है, जहाँ पर वीर योजना के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इसी दौरान ज्ञानदीप पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक पंकज यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम गोपाल यादव ने मुकुट पहना कर गदा देकर उनका भी सम्मान किया। हंगामा टाइम्स, इस समय हम लोग माल में मौजूद है जहां पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये मैंगो फेस्टिवल ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी यहाँ पर मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई, जहाँ पर सबने आम का स्वाद चखा। साथ में बच्चों के साथ कई और लोग भी, पेरेंट्स या यहाँ आसपास के गांव के लोग भी यहाँ मौजूद रहे। ये आप देख रहे हो हमारे पीछे ज्ञानदीप इंटर कॉलेज है, जहाँ पर आज मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस समय शिवपाल यादव मौजूद हैं, अपने लोगों से मिल रहे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जब भी मैंगो फेस्टिवल होता है, माल मलियाबाद में सीजन होता है आम का, तो इनको यहाँ बड़े आदर से बुलाया जाता है। इस समय उनका आगमन भी हो गया, आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ इस समय राजेश जी हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज। सर, कैसा रहा मैंगो फेस्टिवल? बहुत अच्छा रहा मैंगो फेस्टिवल। हमारी शुभकामनाएं है पूरे क्षेत्र को। शिवपाल सिंह का ये बवंडर है जो चल रहा है। पंकज जी, कैसा लगा शिवपाल जी आए और आपके यहाँ पर आकर उन्होंने मैंगो फेस्टिवल में आकर, कैसा लगा उनको खिलाकर? जी जी, बहुत हमको जो है मित्र, हम लोग उनके बहुत पुराने हैं, जाते जाते हैं 30 साल से, और हमारा तपस्या पूरी हो गई। बहुत दिन से आने ने कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ भी थी, सब कुछ। साल आप सर बुलाते हैं? नहीं, इनवाइट तो हर साल करते हैं, उनका मैंगो यहाँ फिक्स है, अब वो जब आ जाए तभी है। कौन सा आम वो खाना पसंद करते हैं आप, उनको कौन सा? कच्चा आम खाते हैं, चौसा का। जाते हुए सीजन में भी आपने संभाल कर रखा था? नहीं, जाता रहता बराबर, उनको शुरू से आखिरी तक जाता है, अभी जाएगा। और कौन सा आम उन्होंने कच्चा आम? कच्चा पक्का सभी खाते हैं, तुम भी खाते हैं। देश दिन की तैयारी थी, किस बार सोचा कि आज का दिन कैसे डिसाइड किया आपने कि नहीं? और समय दिया उन्होंने, बस 24 को समय दिया और 26 को कार्यक्रम रख दिया। रुके खाना वाना सर? अब सब हो गया, खाना भी खाया। रुके उन्होंने आप सबसे मिलकर स्कूल के लिए और आपके सब, उनका आशीर्वाद है, राजेश भैया का आशीर्वाद है, हमारे बड़े भाई प्रमुख जी हैं, उनका आशीर्वाद है, सब यही सब कुछ है।
पंकज जी थे जिनसे बता और लोग भी यहाँ मौजूद, उनसे जाने कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा भाई। अच्छा लगा। जी अच्छा लगा। अच्छा मैंगो खाने आए और या आम? अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्रीय सचिव महासचिव जी आए थे और हमारे मलिहाबाद विधानसभा में आए हैं, तो हमारे मलिहाबाद के लोगों को आज बहुत ही खुशी है कि उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ और बहुत ही सम्मान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दिया। और जो अभी 2024 का चुनाव हुआ था उसकी जीत के लिए भी चाचा ने हमारे सभी को शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं को दी है। आपने आम खाया मैम? बिल्कुल, मलिहाबाद में है। फेवरेट आम कौन सा है? मैं राजबाला रावत हूँ और पूर्व प्रत्याशी मलिहाबाद से रही हूँ, समाजवादी पार्टी से ही, और यहाँ का आम मलिहाबाद का तो मशहूर है। हाँ जी, कौन सा फेवरेट आम? आम तो सारे सभी फेवरेट हैं, आम में कोई ऐसा नहीं होता, आम सारे फेवरेट हैं। आपने खाए और लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लगा आम फेस्टिवल और यहाँ आके क्या उन्होंने आम का रस चखा कि नहीं? सर पर्चे के साथ। हाँ सर बताइए। मैं विजय यादव मोहलालगंज विधानसभा से हैं और माननीय महासचिव जी का जो आदेश है कि 2024 तो हम लोग जीते ही बड़ी मेहनत से और 2027 भी हम लोग जीत के सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की। सर हम तो कहना चाहेंगे कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, हम लोग उनके द्वारा किए गए वादों के विरुद्ध जनता में जनमत तैयार कर रहे हैं कि इस देश में एक अच्छी सरकार बने। और मलिहाबाद तो हमारा वैसे पूरी दुनिया में मशहूर इलाका है, तो मलिहाबाद के लोग सदैव समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नेताजी के नाम समर्पित हैं, अखिलेश भैया के नाम समर्पित हैं, चाचा के नाम समर्पित हैं। हम लोग जीवन से तन मन धन से उनके साथ काम करेंगे। जी आए सबको संबोधित किया। ये मलिहाबाद की धरती समाजवादी पार्टी की धरती है, समाज एवं धरती हमारे स्वर्गीय परम आदरणीय पूज्य नेताजी हमेशा यहाँ आम खाने आते थे, दो जगह चार जगह। अब इस समय हम सब वो नहीं हैं इस दुनिया में, उनकी जगह पर उनका हमारे आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह जी पूरा कर रहे हैं। यहाँ हमेशा हर साल आम की दावत होती है, हमेशा शिवपाल भैया हम लोगों के बीच बराबर आशीर्वाद देते रहते हैं और मलिहाबाद से बड़ा ही लगाव है भैया का। अच्छा सर ये तो बालिक, आपका फेवरेट आम कौन सा है और आपने उनके साथ आम खाया? फेवरेट आम हमारा चौसा है, हुसनारा है। लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप बने रहे हंगामा टाइम जहाँ हमने आपको मैंगो फेस्टिवल से लेकर एक जुड़ी जुड़ी हर एक छोटी छोटी बातें दिखाई बताई, किस तरह उनका आगमन हुआ, किस तरह से यहाँ पर आके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, किस तरह से उन्होंने यहाँ का अपना फेवरेट आम खाया, बने रहे हंगामा टाइम से हमारे।